गुड मॉर्निंग मैम, आज हम संज्ञा और असंज्ञा के भेद यह टॉपिक सीखने वाले हैं। संज्ञा मतलब क्या होता है? नाम होता है किसी व्यक्ति का, वस्तु का, उसे हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि आपका नाम क्या है? मनीषा। आपका नाम क्या है? प्रेरणा। तो ये जो नाम है, नाम पर हम क्या बोलते हैं? फिर संज्ञा बोलते हैं। तो आज हम संज्ञा के भेद सीखने वाले हैं। तो जातिवाचक संज्ञा को हम कैसे मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं, बोल सकते हैं? जातिवाचक संज्ञा यानी क्या? जिस किसी भी शब्द से उस व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध होता हो, उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। मतलब किसी शब्द से संपूर्ण जाति का बोध होना चाहिए, वो सब जातिवाचक संज्ञा में आता है। उसके उदाहरण क्या हो सकते है? पशु, पक्षी, नदी, पर्वत, ये सब क्या है? फिर जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे जातिवाचक संज्ञा में एक शब्द से संपूर्ण जाति का बोध होता है, वैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। किसी भी शब्द से एक ही व्यक्ति या वस्तु हमें समझ में आती है, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे आपका नाम